अपने बिजनेस कारोबार को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तानी रिपोर्टर की इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। रेलवे क्रॉसिंग पर बाइक समेत गिरे 3 युवक, बाल बाल बचे। माने की 2 बच्चों समेत तालाब में कूदकर आत्महत्या। पेट्रोल पंप पर काम करने वाली युवती के साथ पेट्रोल भराने आए युवक ने की मारपीट। अंधविश्वास में डूबी पत्नी की, तंग आकर पति ने की हत्या। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर की एचआर तेज खबरों में आपका स्वागत है। हमारी आज की पहली एचआर तेज खबर औरंगाबाद के संग्राम नगर गांव से है। यहां से रेल पटरियां जाती है, एक्सप्रेस और मालगाड़ियां सब गुजरती है। इसी क्रॉसिंग पर 17 फरवरी को एक ऐसी दुर्घटना होते होते बची है जो कि पूरी सीसीटीवी में कैद हुई है। क्रॉसिंग पर 3 युवक बाइक पर बैठकर जा रहे थे, उसी दौरान उनका बैलेंस बिगड़ने के कारण बाइक समेत ये तीनों गिर गए। मगर वहां मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों ने फौरन इन तीनों युवकों को बाइक समेत घसीट लिया। अगर इन तीनों को घसीटने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो ये तीनों युवक जो है बाइक समेत पीछे से आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन के नीचे आ जाते थे। देखिए ये दिल दहलाने वाला सीसीटीवी फुटेज। चार तेज खबरों में हमारी दूसरी खबर दौंड तहसील से है। दौंड तहसील के यवत गांव में नंदिनी लक्षदीप वांजले नामक महिला ने अपनी 3 वर्षीय बेटी और 2 वर्षीय बेटे समेत एक तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली है। ससुराल द्वारा गाड़ी और भैंसे खरीदने के लिए मायके से 15 लाख रुपए लाने के लिए लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज प्रताड़ना लगातार होने के कारण आखिरकार नंदिनी ने अपनी बेटी मधुरा और बेटा मल्लार इन दोनों को साथ लेकर के तालाब में कूद करके आत्महत्या कर ली। तीनों माँ बेटों की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। वहीं नंदिनी के घर वालों की शिकायत पर यवत पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। इतना तेज खबरों में हमारी तीसरी खबर उल्लासनगर से। उल्लासनगर विट्ठलवाड़ी रोड पर सूर्या लॉज के सामने भारत पेट्रोल पंप है। गत 20 फरवरी को यहां पर एक युवती जो पेट्रोल भरने का काम करती है उसके साथ एक युवक ने मारपीट करने की वारदात हुई है। ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। युवती ने सिर्फ इस युवक को पेट्रोल भरने के दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल न करने के लिए कहा, जिससे ये झगड़ा हुआ और युवक ने युवती से मारपीट की। शिकायत विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर। तेज खबरों में हमारी चौथी खबर कर्नाटक के मैसूर से है। मैसूर में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की
हत्या कर दी खेतों में काम करने के दौरान। ये पत्नी अंधविश्वास के बेहद अधीन हो गई थी। दिन में खुद 10 बार नहाना, जितनी बार बच्चे बाहर चले गए उतनी बार सख्ती से उन्हें नहलाना। पति का नाम शांतामूर्ति है और पत्नी का नाम पुट्टीमणि है। शांतामूर्ति और पुट्टीमणि के परिवार के आसपास रहने वाले पड़ोसियों को भी कहना है कि पिछले 8-10 वर्षों से हम देख रहे पुट्टीमणि जो है अंधविश्वास के बिल्कुल अधीन हो चुकी थी और अक्सर उसकी इस अंधविश्वास की हरकतों की वजह से पूरे परिवार को बेहद तकलीफों का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, पुट्टीमणि अगर घर में जो नकदी आती थी, नोट आती थी, वो नोट भी धोने का काम करती थी कि किन किन धर्म के जाति के लोगों के हाथ इसको लगे होंगे पता नहीं। ऐसे ही 18 फरवरी को पुट्टीमणि अपने पति शांतामूर्ति के साथ खेत पर काम करने गई थी। उसी दौरान ऐसी बातों को लेकर के दोनों के बीच में विवाद हुआ। वहां शांतामूर्ति ने पुट्टीमणि की हत्या कर दी और खुद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर। ये थी आज की हमारी HR तेज खबरें। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली HR तेज खबर।